स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैं पूजा ढिलो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास एट के साइंस के चैप्टर नाइन की रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स तो इसके एन सी आर टी के क्वेश्चन करेंगे हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है कैसे होता है सब कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है ये इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑफ फॉलोइंग एज फॉलोइंग फॉलोज मतलब इस तरीके से होता है तो कैसे होता है रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड टू बी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन क्या है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपकी ठीक है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स तो इसके अंदर क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जन्म देता है दूसरे जीव को Means, अपने जैसे ही दूसरे जीव को जन्म देता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेस ये क्या होता है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में एक किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी यानी तत् प्रक्रिया को जिसके अंदर क्या होती है कोई रेस हो रही है उसको नॉर्मल रेंज में ये चलाता है एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज और क्या करता है हेल्प करता है इंक्रीज यानी बढ़ोतरी करने में पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज किसी एक जीव की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन इज मीट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन क्या है इसको कैसे समझा जाता है जो भी जीव है या लिविंग थिंग्स है जीवित जीव है उसके सर्वाइवल यानी जीने के लिए ये समझा जाता है या इसको लिया गया है सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या है तो फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है मिलान यानी जिसके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से मिलकर यानी फ्यूज होकर क्या करते हैं फर्टिलाइज करते हैं इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे द मेल गेमेट्स और स्पम्स आर रिलेटेड फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस जो मेल गेमेट्स हैं यानी आपके जो स्पम्स हैं वो क्या होता है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होता है उससे जनरेट किए जाते हैं जिसको आप क्या बोलेंगे पेनिस बोलेंगे द स्पम्स रिलीज एंड एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वजाइना जो स्पम्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं मेल गेमेट्स के द्वारा और उसके बाद वो एंटर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर जो कि पार्ट है आपका वेजाइना फॉर द वेजाइना स्पम्प्स ट्रेवल थ्रू द फेलोपियन ट्यूब वेयर दे मीट द एग जो आपकी वेजाइना होती है वहाँ पर स्पम ट्रेवल करता है किसके अंदर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एक ट्यूब्स जो आपको दिखाई देती हैं, ये आपकी यहाँ पर जो एग है ये आपकी ट्यूब है ये आपकी यहाँ पर फ्लैपियन ट्यूब्स है ठीक है यहाँ तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करेगा आपका जो स्पम है वो यहां से और यहाँ से एंट्री करेगा एग्स के अंदर ओके तो ये आपका ट्रेवल करता है और मीट करता है आपके एग से देन है फोर दियर ऑन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस आपका फ्लोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो जाता है मतलब ये प्रोसेस उसके अंदर होता है द मेल गेमेट्स कॉल स्पम मेल गेमेट्स को बोलते हैं स्पम एंड स्पम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है ऐसे कीड़े टाइप में ओके नेक्स्ट है एंड फीमेल गेमेट्स कॉल एग फीमेल गैमेट्स को आप क्या बोलेंगे एग बोलेंगे फ्यूज़ टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट और ये दोनों जब में मिल जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं तो इनको जाइगोट कहा जाता है द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली जो जाइगोट होता है मीन्स ये आपका स्पम है ठीक है ये आपका एग है ये दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं एक बनाते हैं ऐसे और ये जाइगोट क्या करता है डिवाइड होता है पहले दो में होगा फिर चार में होगा फिर छः में होगा आठ में होगा हो इस टाइप से ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है रैपिडली टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरूला जो ये डिवाइड हो रहा है और इसके अंदर जो सेल्स बनती हैं उनको मोरूला कहते हैं विच बिकम द इम्ब्रायो फिर वो जो मोरूला होता है वो इम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली फाइव डेज पाँच दिन के बाद क्या होता है द फोक्यूब्स इज प्रजेंट फ्राम अबाउ एट वीक्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के आठ हफ्ते बाद जो ये होता है ये फ्यूट्यूज बन जाता है नेक्स्ट है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर बताने हैं मीन्स टिक द करेक्ट आंसर है ये तो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है इन फीमेल बॉडी फीमेल बॉडी में होता है या आउटसाइड फ़ीमेल बॉडी या फीमेल बॉडी के बाहर होता है इन मेल बॉडी जो आपका मेल बॉडी है उसके अंदर होता है या मेल बॉडी के बाहर होता है तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका इसका आंसर रहेगा इन फ़ीमेल बॉडी ठीक है मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है आप लोगों को मैंने अभी जैसे बताया कि आ, आपका जो फ्यूजन होता है उसके जरिए होता है सेकेंड क्वेश्चन है ए टेडपोल डिवलप इन टू एन अडल्ट फ्रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ कौन से प्रोसेस के जरिए जो टेडपोल होता है वो फ्रॉग यानी मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन या मेटामोरफिस या एम्बेडिड या बडिंग तो आपका मेटामोफिज के जरिए होता है ठीक है नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आ जाइगोड एक जाइगोट के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि दो होते हैं मैंने अभी आपको जाइगोट का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने ऐसा बनाया था तो जाइगोट के अंदर जो न्यूक्ली प्रजेंट होता है वो दो में होता है ठीक है नेक्स्ट है आपका इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन है ओवी पोर्स एनिमल्स गिव बर्थ टू यंगर वन जो ओविपोर्स एनिमल्स uh, होते हैं वो क्या uh, एक यंगर वन को जन्म देते हैं नहीं वो एग्स देते हैं तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा सेकेंड है आपका ईच स्पम इज आ सिंगल सेल क्या जो हर एक स्पम होता है वह सिंगल सेल होता है बिल्कुल होता है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है बाहर इंटरनल होता है अंदर तो बिल्कुल फ्रॉग्स में बाहर फर होता है आपका फर्टिलाइजेशन तो ये ट्रू रहेगा नेक्स्ट है आपका ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डिवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड जाइगोट जो आपका एक न्यू ह्यूमन जो इंडिकेट होता है वो डिवलप होता है सेल uh, से जिसको जाइगोट कहते हैं नो इट्स फॉल्स यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल तो जो एग होता है वो फर्टिलाई करता है सिंगल सेल होता है वो पहले तो बिल्कुल ट्रू है इसका अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग जो अमीबा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है आपका किससे अमीबा से मतलब बडिंग से तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स ठीक है नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है नो इट्स फॉल्स नेक्स्ट है आपका बाइनरी फ्यूजन इज मेथड ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ये ट्रू होगा आपका ए इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपका जो क्या कहते हैं जाइगोट होता है वो रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का बिल्कुल ट्रू एंड इम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल जो इम्ब्रायो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर आपको पता है वो डिवाइड होता है तो यहाँ पर आपका फॉल्स आ जाएगा नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की गिव टू डिफरेंट बिटवीन आ जाइगोट और अ फोरेटस आपको इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं तो बात, बात करते हैं जाइगोट की जाइगोट इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जायगोट क्या है अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट की इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता है इट इज़ अ सिंगल सेल आपका जायगोट सिंगल सेल होता है द जायगोट डिवलप सेवरल टाइम टू फॉर्म एन इम्बरा बहुत बार ये बनता है ठीक है डिवलप होता है मतलब बनता है इम्ब्रायो बनाने के लिए द जायोट नॉर्मली लास्टेड अ वीक एंड देन डिवेलप इन टू इट्स नेक्स्ट स्टेज जो जाइ आउट होता है वो लास्ट वीक होता है मतलब नॉर्मली लास्ट वीक, वीक में बनता है और उसके बाद ये अपनी नेक्स्ट स्टेज को बनाता है फॉरेस्ट क्या होता है इट इज़ द लास्ट डेवलपमेंट स्टेज ये आखिरी स्टेज होती है डेवलपमेंट के एक ऑर्गन के उसके बाद ऑर्गेनिज्म के द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉगनाइजेशन बॉडी पार्ट ऑफ आ मेट्योर ऑर्गेनिज्म जो ये होती है स्टेज इसके अंदर जो एम्ब्रायो होता है ये क्या करता है सारी बॉडी पार्ट्स ये बन जाते हैं उसको दिखाता है द फॉर स्टेज ऑक्यूर आफ्टर द एम्ब्रायो एम्ब्रायो के बाद वाली स्टेज है ये आपका फॉरेज मेनली अंडरगोज इंटरनल डिवेलपमेंट फॉरेज के अंदर जो इंटरनल मतलब ये मेनली बोला जाता है कि इसके अंदर इंटरनल डिवेलपमेंट होते हैं नेक्स्ट है Next, आपका डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एनिमल्स के अंदर मेथड बताने हैं रिप्रोडक्शन के एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग अराइज फॉर्म आ सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग दो आपके मिलकर एक स्प्रिंग बनाते हैं मीन्स एक नया जीव बनाते हैं विदाउट द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब इसके अंदर क्या होता है इस एक्चुअल में कोई भी मेल और फीमेल नहीं मिलता मीन्स मेल से बन जाएगा फीमेल से भी बन जाएगा मीन्स सिंगल पेड़ पे सिंगल ही चीज होगी और उसी से आपका जो है नया आपका जीव बन जाएगा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा अमीबा के अंदर क्या होता है बाइनरी फ्यूज़न होता है एक मिनट इट्स नेवर चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सॉरी ये नहीं बताया मैंने इसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा इट इज अ काइंड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिविजन इंटू टू हेल्थ मतलब अमीबा के अंदर मेल एंड फीमेल की जरूरत नहीं होती इसके अंदर क्या होता है अमीबा अपने आप में ही डिवाइड होता है और अपने आप से ही वो नया जीव बनाता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है एक सेल अपने आप को दो भागों में बांटती है और उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं मींस ये आपका अमीबा है ठीक है अमीबा क्या होगा रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से टूटने लगता है इसके पास एक न्यूक्लियस होता है एक न्यूक्लियस टूटने लगता है आपका ये भी ऐसे जुड़ा होगा ठीक है और ये थोड़े ही टाइम बाद ऐसे ऐसे दो अमीबा बना लेगा जिनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ अ यूनिसेल सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यानी जिसके पास एक सेल होती है वो दैट हैव अ सेल मेम्ब्रेन जिसके पास सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल है साइटोप्लाज्म है ओके द डिवीजन ऑफ द सेल कैन टेक प्लेस ऑन एन प्लान मतलब इसके अंदर जो सेल का डिवीज़न होता है वो एक प्लान के जरिए होता है इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियस बाय द प्रोसेस कॉल्ड कार्यो नाइसिस जो आपका कार्योकनाइसिस है इस प्रोसेस के जरिए इसका न्यूक्लियस दो डॉटर सेल में बदल जाता है जैसे मैंने बताया कि ये आपका अमीबा का न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस अपने आप में ऐसे दो में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा देन ये बना लेगा दो और उसके बाद इसके दो अमीबा बन जाते हैं फाइनली द डिवीज़न ऑफ द बॉडी इंटू टू हैविंग आ न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली टेक प्लेस और ये फिर अलग हो जाता है और इन दोनों में ही अपना अपना एक अमीबा मतलब न्यूक्लियस होता है जैसे कि ये एक अमीबा है ठीक है इस अमीबा के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होगा फिर इसकी बॉडी डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी जैसे ही डिवाइड होगी तो ये क्या करेगा अपने आप में दो अमीबा बना लेगा डोटर अमीबा इसके अंदर बन जाएगा इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन बाइनरी यानी दो में टूट जाना बडिंग इन हाइड्रिया हाइड्रिया क्या होता है हाइड्रिया कुछ इस टाइप से होता है ठीक है इस टाइप से होता है हाइड्रिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी से नए नए वो निकलते हैं या फिर हम इस हाइड्रिया को अगर काट दें जितने भी पार्ट में तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा ऑर्गेनिज्म सच एंड हाइड्रिया यूज रिप रेगने रिव्टी सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग मतलब ये बर्ड आपने पता है आलू का भी बर्ड होता है तो बडिंग सिस्टम होता है इसके अंदर मीन्स एक पार्ट से दूसरा पार्ट बन जाता है द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड इट डिवलप एज अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी जैसा मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरीके से होता है ठीक है इसकी बॉडी में एक छोटा सा बर्ड निकलने लगता है और वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होकर अलग हो जाता है और एक नई बॉडी बना ले जा लेता है एज द बर्ड इन लार्ज इट्स रिसीव्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट ऑर्गन जो बर्ड होता है वो बड़ा हो जाता है और सारे ही कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट के ऑब्जर्व कर लेता है वंस इट इज़ डिवलप एक बार ये जब डिवलप यानी बड़ा हो जाता है इट मे बी डिटेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी फिर ये क्या होता है अलग हो जाता है एंड डिवलप टू आ न्यू इंडिविजुअल और एक नए इंडिविजुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन सेम सॉरी सम रेयर केस कुछ एक केस ऐसे होते हैं द बर्ड्स मे नॉट बी डिटेक्टेड कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये अलग नहीं होते फॉर्मिंग इंटर कनेक्टेड बर्ड्स और ये क्या करते हैं इंटर कनेक्टेड बर्ड्स बना लेते हैं दे आर आर ऑल्सो मैथड लाइक फ्रेगमेंटेशन मल्टी पल फ्यूजन एक्सेट्रा ये सभी होते हैं ये कुछ इस टाइप से होते हैं ठीक है ये जो आपको यहाँ बर्ड दिख रहा है ये अलग हो जाएगा लास्ट में और कई बार क्या होता है ये अलग नहीं होता ये जुड़ा ही रह जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द गेट एम्बाइडेड मतलब कौन सा फ़ीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है जो एम्ब्रायो में इम्वाइडेड का काम करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द गेट्स अटैच टू द यूट्रस जो आपका यूट्रस होता है उससे इम्ब्रायो अटैच होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंदर वंस इट गेट अटैच जब ये एक बार जुड़ जाता है दे आर ओक्यूर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट लाइक लेग्स हैंड आइज एक्सेट्रा जब ये एक बार जुड़ जाता है तो ये क्या करता है फॉर्मेशन यानी बनाने लग जाता है बॉडी पार्ट्स को जैसे कि टांग हो गई हाथ हो गया और आँखें हो गई द एम्ब्रायो इज देन कॉल्ड फोट्यूज जो इम्ब्रायो है उसको लास्ट में फोट्यूज कहा जाता है उस स्टेज uh, को वट इज़ द मेटामोरफिज गिव एग्जाम्पल मेटामॉर्फिज क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देना है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर एब्रिपली चेंज थ्रो सेल ग्रोथ एंड डिटर्माइनेशन मीन्स ये कह रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जानवर की जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है ग्रोथ होने लगती है उसके सेल्स में तो इसको बोला जाता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एग्जांपल के लिए हो गया फ्रॉग और इंसेक्ट ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर ये आपको फ्रॉग के एग्स दिख रहे हैं फिर ये टेडपोल्स बनेंगे फिर टेडपोल्स का हेड आ जाएगा पीछे पूछ टाइप में हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद ये पोल्स से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाने लग जाएगा इसकी जो पूँछ थी वो कम होने लग जाएगी फिर वो अडल्ट में हो जाएगा और पूँछ गायब हो जाएगी आपकी तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है किसका मेटामॉर्फिज्म का इन फ्रॉग के अंदर द लाइफ साइकल ऑफ अ फ्रॉग द टेडपोल एम्ब्रायो फॉर्म द एग विल हैव गिल्स टेल एक्सेट्रा दे कैन स्विम इजीली इन वाटर इट अंडरगोज अब चेंज एंड डेवलपमेंट इन टू द मेट्योर फ्रॉग आपने देखा कि जो स्टार्टिंग का फ्रॉग था मीन्स ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये वाला फ्रॉग इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर है दिन रात का फर्क आपको दिखाई दे रहा है तो इसी को बोलते हैं नेक्स्ट है डिफ्रेंटिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चेंज बताना है मतलब डिफरेंट बताना है फर्टिलाइजेशन इन जनरल इज़ डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स फिर उसके बाद इंटरनल uh, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो अंदर होता है बॉडी के अंदर इट अक्यूर इन साइड द फीमेल बॉडी और वो भी फीमेल के अंदर होता है आर हाई चेंज ऑफ़ सर्वाइवल ऑफ़ द ऑफ स्प्रिंग यह क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग होता है मतलब नया जीव होता है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स द फर्टिलाइजेशन एग और एम्बरा फ्राम द हार्स एनवायरमेंट इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है जो एग होता है फर्टिलाइज एग होता है एम्बरा होता है उसको इन्वायरमेंट से एग्जाम्पल के लिए के हम ले सकते हैं काओ हुम्स डॉग्स मंकी इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल क्या होता है इट ट्यूर आउटसाइड द बॉडी द फीमेल बॉडी मतलब फ़ीमेल बॉडी के बाहर होता है ये जैसे कि मेंढक वगैरह इन सब में होता है मच्छर छिपकली इन सब में आ, दे आर लो चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग मतलब इसका जो बच्चा बनेगा या जो जीव बनेगा उसके चांसेस कम होते हैं सर्वाइव करने के मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स यूज़ दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ये method यूज़ करते हैं एडवांस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन advantage क्या है इसकी इज that इट produce अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग बनते हैं नए जीव बनते हैं एक्सटर्नल में जिसमें से काफ़ी मर जाते हैं और काफ़ी ज़िंदा रह जाते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं फिश फ्रॉग ऑर्गेनिज्म ये सभी आपके हैं फिर हम बात करेंगे कंप्लीट द क्रॉस वर्ड्स आपकी क्रॉस पज़ल है ये आप पूरी करेंगे अपने आप मैं यहाँ आपको आंसर दिखा देती हूँ इनके तो ये आपके आंसर्स हैं फर्टिलाइजेशन वगैरह ये आपका पूरा पजल्स है आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ ग्रेट डे ऑल द वेरी बेस्ट